हम लोग भागे, कुछ लोग दब गए, कुछ लोग भाग गए। कार तो हमारे उसी में दफन हो गए, गाड़ी के नीचे। अच्छा। और मेरा यहाँ कमर से मैं भी दबा हुआ था, तो मैं चिल्लाया, मजदूर मारा है, कौन यहाँ आया है अभी तक? तो वहाँ से ट्रक आया, उसने ऊपर चढ़ा दिया, ढिलाई वाला भाग गया। तो हम लोग पांच लोग हैं, चार लोग खत्म हो गए, पांच लोग घायल है, हम लोग सारे कुछ लोग भाग गया। अब ये जो मर गए हैं, इनको देखने भी नहीं आ रहे। एमएलए सोमदत्त है यहाँ के, आम आदमी पार्टी से, ना उनकी तरफ से कोई आया, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की है, कोई नहीं आया अभी तक। जिसका भाई गया, जिसका बाप गया, उस बच्चे के पीछे क्या होगा? वो किसको गले लगाएगी, किसको कहेगी बाप और भाई? सरकार तो पैसा दे देगी, लेकिन उसको बाप नहीं मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा। कोई कुछ नहीं कह, यूं कह रहे हैं कि अभी हम एफआईआर कर रहे हैं, रात से कुछ नहीं किया इन्हें एफआईआर, अभी कह रहे हैं कि एफआईआर करेंगे और फिर मुआवजा मिलेगा तुम्हें एक दो साल में, यूं कह रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं जखीरा में और ये आप सड़क एक बार देख लीजिए। ये सड़क पे दिन रात गाड़ी चलती है, लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार के कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, जहाँ पे सड़क को रिपेयरिंग किया जा रहा है। इसी बीच में रिपेयरिंग करने वाले आज चार मजदूर दिल्ली नगर निगम के ट्रक के नीचे आकर आज उनकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि एमसीडी की जो ट्रक है वो यहाँ से आ रही थी। एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए कि यहाँ से वो ट्रक आ रही थी, ट्रक ओवरलोड था, कूड़े उठा रखा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो ट्रक है अपना नियंत्रण खोता है। ये देखिए किस तरह से कितनी ज़ोरदार टक्कर मारी है कि ये घर को भी पूरा हिला दिया। ये दुकान है, दुकान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस तरह से लोगों ने निगम पार्षद को चुनकर सदन में भेजा है, सदन में ठीक उसी तरह से हंगामा हो रहा है। उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी की मेयर बनने के साथ ही दिल्ली में एक्शन शुरू हो गए, हर एक जगह से इंक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं, उसी तरीके से अब नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, काम करते हैं, वो लोग भी अब तैश में आ गए हैं। हम आपको बता दें कि वो यहीं से गाड़ी लेके आ रहा था, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और उसी समय ठीक यहाँ पे आते आते पहले गाड़ी ने वहाँ पे टक्कर मारी और उसके बाद वो गाड़ी यहीं पे आती है और यहाँ से इतना ज़ोरदार टक्कर मारा कि उसके बाद यहाँ पे चार लोगों की मौत हो गई। एक बार सड़क दिखाइए, ये सड़क है, इसी का निर्माण चल रहा था, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली सरकार किस तरह से इस चीज़ को लेकर एक्शन लेगी और किस तरह से उसके ऊपर कार्यवाही होगा? जिसके परिवार के चार लोगों ने खोए हैं उनका क्या होगा, उनके साथ क्या होगा? उनके यहाँ पे परिवार भी है, हालांकि उनकी एक बच्ची है, उनकी पत्नी है, उन लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। हम आपको दिखा दें कि ये जो पूरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये जखीरा का है और जखीरा में यहीं पे ये जगह है जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए, ये उनकी एक की पत्नी है, एक की बेटी है। आपका नाम क्या है? राजकुमारी। आपके पति का नाम? हरिओम। क्या कर रहे थे आप लोग रात को? रात में काम कर रहे थे, टैल लगा रहे थे सर। अच्छा, तो ट्रक कैसे आया कुछ पता नहीं चला आप लोगों को? लोग ने देखा नहीं है, जब दब गए सारे लोग, जब देखा हमने। मुझे नाम बताएंगे ट्रक कैसे आया? ये बच्ची, ये बच्ची मेरे साथ पीछे पीछे आ रही थी चोरा को छोड़ के। अच्छा। चोरा इसके पास था, ये हमारे साथ आ गई, पापा के पास चोरा बैठ गया। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? झांसी से। झांसी से। दिल्ली में काम कर रहे हैं? दिल्ली में काम। और वो ट्रक वाला नियंत्रण खो गया, उसके बाद आप लोगों को इधर उधर होने का भी मौका नहीं मिला? तो नहीं सर, बिल्कुल पलट गया, हम लोग भागे, कुछ लोग दब गए, कुछ लोग भाग गए। ये देखिए, ये कितनी छोटी मासूम सी बच्ची है, इनकी बच्ची है, ये है और इनके पूरे परिवार। हालांकि मजदूरी करके ये लोग अपना जीवन काटते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा किस तरह से हो जाता है कि जो नगर निगम का गाड़ी है वो किस तरह से अंधाधुंध, सोचिए जरा कि किस स्पीड से होगा कि उसने वहाँ पे मारकर घर को भी दुकान को भी तोड़ दिया, सड़क पर आकर इतना तेज
टक्कर मारा कि तीन लोग तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हुए, उसके बाद एक लोग बचे थे उसे हॉस्पिटल ले जाते उसने दम तोड़ दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये शख्स जो है ये रात को काम कर रहे थे और ये वहाँ पे मौजूद थे। इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोतीलाल अहरवार। ये बताइए रात को आप लोग काम कर रहे थे? हाँ जी। क्या हुआ था फिर यहाँ? सर हमने हमारे 10:30 बजे से काम शुरू करना चालू करा हमने। अच्छा। तो 1 बजे तक हमारा काम, एक गाड़ी लग गई थी, हमने बैरिकेटर लगा रखे थे, सारा टैप कर रखा था। इसके बाद सर इधर से 10 नंबर गली से 1:15 बजे गाड़ी आती है MCD की, तो हमने उसको देखा कि रुकेगी, सर नहीं रुकी है, तो हमने सब लेबर को जितना भगा सके भगाया और नहीं 5 आदमी हम लोग फंस गए सर, तो 4 तो हमारे उसी में दफन हो गए गाड़ी के नीचे। अच्छा। और मेरा यहाँ कमर से मैं भी दबा हुआ था, तो मैं चिल्लाया कि मैं बच जाऊँगा, मेरे को बचा लो, तो आदमियों ने खींचा, तो फिर मैं फिर बेहोश हो गया, फिर मेरे को हॉस्पिटल ले गए। अच्छा। हाँ तो अभी आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं? हाँ जी। तो ये बताइए जो वो 4 लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बारे में पुलिस वालों ने कुछ बताया? अभी सर मेरे को कुछ नहीं बताया, वहाँ तो गए थे पुलिस वाले मतलब, तो उन्होंने बॉडी बोले, तो जब वहाँ बॉडी दिखाई तो मेरे को 3 बॉडी तो दिखी हैं, एक बच्चे की और दोनों मियाँ बीवी की। अच्छा। एक बॉडी अब बाद में पहुँच गई, वो मेरे सामने नहीं पहुँची थी, चार स्पॉट पर ख़त्म हुए हैं। मतलब 4 जो थे चारों बॉडी दिखाई? हाँ मतलब पोस्टमार्टम के लिए हालांकि भेजा गया? हाँ ना, अभी पोस्टमार्टम की ये बात नहीं हुई, मैं तो मतलब वहाँ हॉस्पिटल में रखी हुई हैं। तो आप रात को काम, ये बताइए क्या कोई ठेकेदार या कोई आम आदमी पार्टी का विधायक सांसद BJP का या फिर कोई निगम पार्षद आपसे कोई मिलने आया? कोई सुरक्षा नहीं सर, कोई सुरक्षा ना विधायक आए ना MCD, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारे आदमी सब किल्लाते रहे भाई, वो तो फिर एक पुलिस वाला आया, उसने जो भी जैसे ऑटो करके मेरे को भेजा, एक पुलिस वाले ने, मेरी वाइफ भी थी साथ में घर वाली, तो लेके फिर गई, मैं बेहोश हो गया था फिर, तो जब बहन तो 50 होने था यहाँ इकट्ठा हो गया होता, मजदूर मारा है कौन यहाँ आया अभी तक? पुलिस वाले ने दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक साहब नहीं आए यहाँ पे, न यहाँ की निगम पार्षद आई, जबकि शीला दीक्षित जी ने 2012 में यहाँ का पुल पास किया था, वो पुल ईदगाह तक जाना था जखीरे से, वो पुल का पैसा सारा खा गए और ये सड़क बनवा रहे मजदूरों से। अब ये जो मर गए हैं इनको देखने भी नहीं आ रहे MLA सोमदत्त है यहाँ के आम आदमी पार्टी से, ना उनकी तरफ से कोई आया, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की है, कोई नहीं आया अभी तक, समझो जी। पुलिस वाले ने डंटा मारा है सबको, किसको किसको? पुलिस वाले ने डंटा मारा, रात को भगाया है। अच्छा। उठने आदमी को डंटे मार के भगाया पुलिस वाले ने, लाश का भी नहीं पता है कहाँ लाश है, कहाँ लाश, मजदूर का कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिल। रात को आप थे? हाँ यहाँ पे थे हम। क्या हुआ था? गाड़ी ऐसा हुआ कि सर वहाँ पे है ना ड्राइवर दारू पी रखा था। अच्छा। और गाड़ी ड्राइवर की बैलेंस में नहीं आया गाड़ी। हाँ, हाँ, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के वहीं भाग गया, पहले वो कोना ठुका, फिर यहाँ पर 14 आदमी काम कर रहे थे, उसके बाद 10 आदमी भाग पाए, एक आदमी अपना बच्चा लेकर भागने की कोशिश करा और एक दो आदमी, एक लेडीज एक बच्चा, वो भाग नहीं पाए, वो दब गए। फिर प्रशासन रात को बहुत आया था। अच्छा। मगर अब प्रशासन कह रहा हमारे पास क्यों आए हो, अब इनकी सुनवाई कैसे हो जाएगा? तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है अब तक, नहीं हो रहा है। क्या सुबह से 4-7-8 बजे थाने में बैठे हैं, 7 बजे से। ठीक है जी, कोई कुछ नहीं कह, यूँ कह रहे हैं कि अभी हम FIR कर रहे हैं, रात से कुछ नहीं किया इनने FIR, अभी कह रहे हैं कि FIR करेंगे और फिर मुआवजा मिलेगा तुम्हें 1-2 साल में, यूँ कह रहे थे, कह रहे थे 1-2 साल में मुआवजा मिल जाएगा, अभी हम FIR करेंगे। देखिए कितनी शर्म की बात है कि यहाँ पे एक तो 4 मजदूर चले गए और उसके बाद जिन्हें FIR करना चाहिए वही लोग कह रहे हैं कि अभी FIR कर रहे हैं, इन लोगों को घुमाया जा रहा है और इन लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुआवजा मिलेगा तो वो 1-2 साल के बाद। क्या ऐसे ऐसे अधिकारियों को जो आम लोगों की सेवा करने के लिए नियुक्ति की गई है, जिन पुलिस वालों को आम लोगों की सुरक्षा में लगाया जाता है, वो पुलिस वाले अगर इस तरह से कहेंगे तो इनके हौसलों का क्या होगा? और कौन था? इधर आइए, हम यहाँ पे और भी महिलाएं हैं और भी उन लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे आपका नाम? हमारा नाम सकीना। आप कहाँ से आई? हम MP के हैं, धोलाकुगा से। अच्छा।
तो यहाँ पे आप लोग कितने जने काम कर रहे थे? 14 लोग। रात को ये घटना कैसे हुई, कुछ पता? जैसे हुई घटना, वहाँ से ट्रक आया, उसने ऊपर चढ़ा दिया, ढिलाई वाला भाग गया। तो हम लोग 5 लोग हैं, 4 लोग खत्म हो गए, 5 लोग घायल है, हम लोग सारे कुछ लोग भाग गया। तो ऐसे घटना हो गई, उसी तरह दब के रह गए। हाँ तब पीते बिल्कुल पिछला नोड़ गया। वो क्या होता है, मशीन ने निकाले, या 2 मशीनें हैं, या 2 मशीनें ने निकाले। वो जब जो ड्राइवर था वो भाग गया। हाँ भाग गया। पब्लिक आई है ना बचाने के लिए, उनको पुलिस वाले और थप्पड़ मार मार के भगा रहे हैं यहाँ से। क्यों मारा, क्यों कह रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कोई बच्चा है अंदर से तो निकालेंगे तो ना, उसको क्यों मार रहे हो भाई? तू ऐसा करे रात को इन पुलिस वालों ने भी, मतलब जो बचाने आया उन लोगों ने आया उनको भी मार रहे हैं। अरे बच्चा मलबे में बचा पड़ा, उसे निकालेंगे ना, कह रहे क्यों आया यहाँ पे? पब्लिक थी, फिर उनके बाद में वो कह रहे कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। और जिसका गरीब आदमी गया उसके दिल से पता लगता है। बाबू जी ये अपने देख रहे हैं, थाने वाले अपने रोटी कर रहे हैं, कह रहे हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। अरे तुम्हारा बेड़ा कर रहा है। पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे हैं, कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। इतनी हम लोग यहीं पे थे, इसको लेके आप लोगों ने सड़क जाम। हाँ सड़क जाम इस टाइम कर रखे, इसलिए कर रखे हैं कि पब्लिक इकट्ठा होगी तभी काम होगा। ये आम आदमी और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है। लोगों को शर्म करनी चाहिए कि ये तमाम लोग, जो लोग उन्हें बचाने आए थे, जो लोग मदद करने आए थे, उन्हें थप्पड़ मारा गया, मार के थप्पड़ भगा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो वो ड्राइवर था वो शराब पी रखी थी, दारू पी रखा था, वो दारू पिए फुल था, वो तो वो भाग गया। हाँ वो भाग गया, वो तुरंत ही भाग गया, उसी टाइम भाग गया। हाँ उसी समय भाग गया, गाड़ी छोड़ के भाग गया, भाग गया वो ड्राइवर, ऊपर से भाग गया। जिसका भाई गया जिसका बाप गया, उस बच्चे के पीछे क्या होगा? वो किसको गले लगाएगी, किसको कहेगी बाप और भाई? सरकार तो पैसा दे देगी लेकिन उसको बाप नहीं मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा, कौन सुनवाई करने वाला है? ये जो ठेकेदार था वो आया यहाँ पे? ठेकेदार भी नहीं आया, ये लेबर ही है, इनसे पूछ। नहीं आया, नहीं आया ठेकेदार, वो अभी तक देखने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। देखिए यहाँ पे ठेकेदार भी नहीं आए, और ये लोग जो है लगातार अब प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग जो है उन लोगों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि जो लोग अब यहाँ पे इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? हालांकि आप देख सकते हैं कि ये लोग इतने आक्रोश में हैं कि यहाँ पे चौतरफा रास्ता बंद कर दिया गया है। एक बार और हम तस्वीर आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पे आप देखिए। हालांकि लोगों ने ये आरोप भी लगाए हैं कि जो MCD का गाड़ी है वो, जो उसका ड्राइवर था वो शराब पी रखा था, जिसकी वजह से वो ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहा था। और ये देखिए इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ये आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितने की स्पीड में होगी, जिसकी वजह से ये दुकान जो है ये दुकान टूट गया। और इसके बाद यहाँ जाते जाते उसने 4 लोगों की जान ले ली। सर यहाँ के जो लोग हैं वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है, जो यहाँ के इंस्पेक्टर है, उन्होंने रात में लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने लाठी डंडों से मारा। खुद उठाया हमने, तो बॉडी हमने अपने हाथ से उठाई है। लोगों ने बताया कि अपने हाथ से उठाई है, मेरे आदमी ने अपने हाथ से उठाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बॉडी भी नहीं दिखाई गई। चल रहा है, बॉडी तो यही थी, हमने तो ट्रक उठाया है। क्या सर गिरफ्तारी हो गई? हो गई है, पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भी वहाँ गए हुए लोग, या तो फिर ऐसे खड़े होने का तो कोई फायदा नहीं ना। यहाँ पे जो आनंद पर्वत के थानेदार हैं, SHO हैं, उनका कहना है कि जो ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये MCD का ट्रक है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है ऑन NDMC ड्यूटी, यानी कि ये ट्रक तभी चल सकता है जब ये MCD का कोई काम चल रहा हो तभी। अब इसका हम आगे से आपको सूरत दिखा दें कि इसकी सूरत किस तरह से बिगड़ी है, ये आप देखिए। और यही वो सड़क है जहां से रात को इस ट्रक को लेके जाया जा रहा था, जिसकी वजह से आज इस ट्रक ने एक ही बार में 4 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। ये आप ट्रक की हालत देखिए कि ट्रक किस तरह से है और चलाने वाला किस तरह से चला रहा था। हालांकि सड़क जो है ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जिसके बावजूद भी वह इतना ओवर स्पीड था और शराब पिए हुए था, ये लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं। जिसके बाद जो है ये देखिए कितनी बड़ी हादसा को अंजाम दे दिया। यही वो ट्रक है और ये ट्रक जो यहाँ से निकल रही थी इतनी स्पीड में थी कि 4 लोगों की मौत हो गई। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन?
पुलिस प्रशासन, ट्रक वाले, नगर निगम वाले, कौन इसका जवाबदेही कौन तय करेगा कि जो चार लोग जो मजदूर किसी और राज्य से आकर देश की राजधानी दिल्ली में काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई, और अब इसके आगे क्या कदम उठाए जाएंगे कि उन्हें मुआवजा मिले, अब क्या होगा ये तो। हालांकि जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में जिस तरह से जो पार्षद चुन के गए हुए सदन में हैं उन लोग जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से ठीक जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो लोग भी ऐश तैश में आ रहे हैं, और अब जिस तरह से उनका मन कर रहा है, जिस तरह से मूड कर रहा है, वो उसी तरीके से ट्रक को घुमा रही है। देखिए एक बार तस्वीर और दिखा दो कि ट्रक कितनी भयानक तरीके से ठुके। क्या सर, क्या लग रहा है इसको देख के? इसकी हालात तो ठीक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुई है। हाँ। बेकाबू हो गई होगी गाड़ी जब ये हालत हुई है। क्या लग रहा है कितने का स्पीड होगा? इसकी स्पीड तो कम से कम 80 होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, तभी यह हालत हुई है। हालांकि कूड़े में कोई वजन होती नहीं है, कूड़ा हल्का होता है, कोई और मेटल होता, लोहे होते तो इसमें वजन होता, गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं होती। मलबा था तो मलबे में वजन होती नहीं है, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी स्पीड में टकराई होगी जब यह हालत हुई है। प्रशासन से करिए बोलिए कि उचित मुआवजा, जो मरे हैं लोग, हाँ उचित मुआवजा दे सरकार। कोई अभी तक सरकारी जैसे जो नगर निगम है, विधायक हैं, कोई मौजूदा स्थान पे नहीं आया, ना कोई सांसद आया है। और क्या? इतनी बड़ी घटना हुई है, चार मजदूर मरे हैं, गरीब आदमी मरे हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं है ये लोग, रीवा के रहने वाले हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं ये लोग, और वो बाल बच्चे लेके मरे हैं। एक परिवार तो पूरा परिवार ही गंवा दिया है, दो तो माँ बेटे ही मर गए हैं, अभी बेटे की नई बहू है उसकी। तो इसलिए परिवार कम से कम सरकार के तरफ से कोई आए यहाँ पे, उनको समझाए, सांत्वना दे। जो भी घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है, सबको दुख है। दारू पी के चलाता है ड्राइवर ना, तभी भी खोज पुचारी नहीं होता है। आप सर ऑटो चलाते हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए इसके शक्ल देख के क्या लग रहा है कि कितने का स्पीड होगा इसका? इसका स्पीड इधर से ढलानी पड़ते थे भाई, अपनी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा, 80-90 नहीं हो सकता भाई। बिल्डिंग थोड़ी गिर जाएगा 80-90 से, बिना 80-90 से बिल्डिंग नहीं गिर सकता भाई। आगे यहाँ पे बिल्डिंग भी गिरा दी और यहाँ पे चार लोगों की मौत भी हो गई। आप देख सकते हैं कि यही वो है जो मजदूर है जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उनके पास जब कोई हथियार नहीं था, उन लोगों ने अपना रास्ता सिर्फ यही चुना कि उन्हें अब रास्ते को, सड़क को ही पूरा जाम कर दिया, क्योंकि प्रशासन अब उनके कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक बार दिखाइए कि किस तरह से इसमें जो है ये कूड़ा रखा हुआ था और ये कूड़े से भरी गाड़ी जा रही थी, लेकिन स्पीड इसकी इतनी थी कि ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर, और हालांकि ड्राइवर पे ये भी आरोप है कि वो शराब पी कर गाड़ी चला रहा था। दिल्ली सरकार इस मामले को, नगर निगम के इस गाड़ी को अपने संज्ञान में ले, केंद्र सरकार अपने पुलिस के इस रवैये को ठीक करे, और जिस तरह से ये चार मजदूर मरे हैं इनको उचित मुआवजा दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, जखेरा, दिल्ली अप टू डेट।